नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर जो कि 18 अगस्त को रिलीज हो रही है, मतलब कि फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था, जहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिल्म को काफी प्रशंसा मिली है। क्रिटिकली एक सफल फिल्म ये कही जा सकती है। आरबाल की वैसे भी एक अलग तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। पैडमैन, पा जैसी फिल्में वो बना चुके हैं। और दोस्तों, आरबाल की और अभिषेक बच्चन पा फिल्म में कमाल कर चुके हैं, तो यहाँ भी उम्मीद है। और जिस प्रकार से फिल्म का ट्रेलर आया है, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेलर, माइंड ब्लोइंग। अभिषेक की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक्टिंग है, इमोशनल मूवी होने वाली है। सियामी खेर की भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। इसके अलावा सबन आजमी, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, अंगद बेदी और अमिताभ बच्चन का कैमियो भी है, तो काफी अच्छी फिल्म ही होने वाली है। लेकिन फिल्म का एक तो प्रमोशन दोस्तों अभी तक उतना अच्छी तरह नहीं हुआ। हालांकि अभिषेक बच्चन लगातार छोटे छोटे फिल्म से डाल रहे हैं अपने ट्विटर पर, और दिल छल्ला झूम, दिल छल्ला वाला सॉन्ग है वो भी जारी किया गया है। तकदीर से टकरा उसकी भी एक झलक देखने को मिली है। गाने सारे अच्छे हैं फिल्म के। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक। और कुछ रियलिटी शोज में भी अभिषेक बच्चन गए हैं फिल्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी तक फिल्म का बुक माई शो पे करीब 12K के आसपास इंटरेस्ट था जब मैंने वीडियो बनाया था। तो अभी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, वरना एक अच्छी फिल्म है वो प्रमोशन के अभाव में डिली ना रह जाए। क्योंकि करीब 20 दिन पहले ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी, तो ये भी थोड़ी दोस्तों एक कम से कम 1 महीने पहले फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करनी चाहिए थी, और प्रमोशन बहुत तेजी से करना चाहिए था। उतनी तेजी से फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ है। पेन मरुदर की फिल्म है, अभिषेक बच्चन होप प्रोडक्शन की, आरबाल की डायरेक्ट कर रही है, अभिषेक भी को प्रोड्यूसर है। तो खैर कोई बात नहीं है, अब तो ज़्यादा मौका है नहीं, 2 दिन बचे हैं। और अभिषेक बच्चन को अब थोड़ा और ज़्यादा तेजी से प्रमोशन करना चाहिए। अब तो एडवांस बुकिंग तो शुरू नहीं हुई है, मैंने चेक किया था जब मैंने वीडियो बनाया था, तब तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई थी। 1000 स्क्रीन्स मिलने की फिलहाल उम्मीद है फिल्म को, कि 1000 के आसपास स्क्रीन्स मिल सकते हैं फिल्म को। अब ये 100-200 कम भी हो सकते हैं, 100-200 ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि गदर 2 और OMG 2 और जेलर तीनों ने काफ़ी बड़ी संख्या में स्क्रीन से ले रखे हैं। जेलर तो साउथ में है, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन गदर 2 और OMG 2 के ज़्यादा स्क्रीन्स कम नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा कलेक्शन चल रहा है। विशेषकर गदर 2 के स्क्रीन्स कम ज़्यादा होंगे नहीं, तो शो कम रहेंगे घूमर के पास। अब सब कुछ डिपेंड करेगा वर्ड ऑफ माउथ पे, कि कितना वर्ड ऑफ माउथ, किस प्रकार का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को मिलता है। शोज और जो रिव्यूज आएंगे उसके हिसाब से मतलब फिर फिल्म का कलेक्शन आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अच्छे रिव्यूज फिल्म को मिलेंगे। ज़्यादा बजट नहीं है फिल्म का, 20 करोड़ के आसपास ही बजट है, तो डेफिनेटली अगर ये फिल्म अच्छी स्टार्ट ले लेती है, 3-4 करोड़ की ओपनिंग भी लेती है, तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग कही जाएगी। खैर जो भी रिपोर्ट्स लगातार आती है घूमर के बारे में, उसके बारे में आपको लगातार जानकारी दूंगा। फिलहाल एक और जानकारी दे दूँ कि हांगकांग में बहुत बड़ा पोस्टर इसका लगाया गया है घूमर फिल्म का। वो पोस्टर मैंने देखा है, आपके लिए भी लेके आया हूँ। तो पूरे वर्ल्ड में वैसे फिल्म का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में अभी मेरे को ज़्यादा उतना मिला नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन किया गया है। खैर जो भी है, आप अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कि घूमर बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी, किस प्रकार का परफॉर्म करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।